अब जाहिर है बीजेपी वाले को छोड़िए, जो हमारे वोट पर जिंदा सलामत हैं वो लोग भी हमारा नाम लेने के लिए तैयार नहीं। ये बंधुआ मजदूर वहीं जाएंगे, हमारी हवा उखड़ गई, हमारा रोब नहीं रहा, हमारा वकार नहीं रहा। जाहिर है ये सारी चीजें क्यों हुई, इख्तलाफ की बुनियाद पर। अरे NB मीडिया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सिर्फ आपको इख्तियार करना, आज सारी लड़ाई झगड़ों का सिर्फ की जड़ वही है बुनियादी तौर पर। मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में लड़ाई झगड़ा, इख्तलाफ, इंतशार, एक दूसरे से हसद, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुरान मजीद ने वाज़े तौर पर फरमाया, ए लोगो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और देखो तुम लोग झगड़ो मत आपस में, इख्तलाफ मत करो, इख्तलाफ मत करो। ये देखिए बिरादरी का झगड़ा है, ये देखिए कबीलों का झगड़ा है, ये देखिए भैयारी का झगड़ा है, ये ज़मीन का झगड़ा है, ये भाई बहन की तकसीम वरासत का मसला है, ये जहेज़ के लेन देन का मसला है, ये सास बहू का झगड़ा है, ये बाप बेटे का झगड़ा है, ये माँ बेटी का झगड़ा है। ये क्या है भाई, ये मसलकी इख्तलाफ है। ये देवबंदी बरेलवी आपस में लड़ रहे हैं, ये शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, ये गैर मुकल्लिद और मुकल्लिद लड़ रहे हैं, ये फलां और फलां की लड़ाई चल रही है। ये क्या है भाई, ये ज़िले वाली लड़ाई है, ये क्या है, ये सूबाई लड़ाई है, सूबाई तासुब जन ले रहा, ये क्या है, ये काले गोरे की लड़ाई है, ये कौन सी लड़ाई, ये ज़बान की लड़ाई है, ये हिंदी वाले और बंगले वाले की लड़ाई है, ये अरबी वाले की लड़ाई है, अजमी वाले की लड़ाई है, ये कैसी लड़ाई है भाई, ये मुल्की लड़ाई है, मुल्की पैमाने की, ये यूरोप अमरीका की जंग, ये अरब की जंग है, ये अजम की, ये सारे इख्तलाफात, ये सारा इंतशार, जाहिर है कि ये हमारे लिए नहीं था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आए हज्जतुल वदा की आखिरी तकरीर में, उन्होंने फरमा दिया कि अरबी और अजमी होना, इसे मैंने रोन दिया, ये कोई फजीलत की चीज़ नहीं। काला काला और गोरा होना, ये कोई फजीलत की चीज़ नहीं। सब चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया, सब एक इंसान आदम की औलाद है, सिर्फ तकवे की बुनियाद पर कोई अफजल होगा, कोई बड़ा होगा, सिर्फ तकवे की बुनियाद पर, उसके अलावा कोई बुनियाद नहीं है बड़ाई और अफजलियत की, सिर्फ एक बुनियाद तकवा है। फरमाया कि लोग अगर झगड़ोगे तो जानते हो क्या होगा, कुरान कह रहा फतफशलू, बुजदिल हो जाओ। आप जरा जायजा लीजिए कि हमारा समाज कितना बुजदिल हो गया। तजावरी हुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। कैसी हवा उखड़ गई, हमारे गांव में पहले थाना और पुलिस वाले नहीं आते थे, हिम्मत नहीं होती थी कि गांव में घुस जाए, आज धड़ल्ले से कोई भी आ रहा, आपकी हवा उखड़ गई। मुसलमानों के पीछे मुल्क का वजीर आला और वजीर आजम पीछे घूमता था, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। अब जाहिर है बीजेपी वाले को छोड़िए, जो हमारे वोट पर जिंदा सलामत हैं वो लोग भी हमारा नाम लेने के लिए तैयार नहीं। ये बंधुआ मजदूर वहीं जाएंगे, हमारी हवा उखड़ गई, हमारा रोब नहीं रहा, हमारा वकार नहीं रहा। जाहिर है ये सारी चीज़ें क्यों हुई, इख्तलाफ की बुनियाद पर। अरे शेख लोगों को पकड़ लेंगे, अंसारी को उधर कर दें, उधर फलां चले जाएंगे, उधर फलां, बिरादरियों के झगड़े बिहार में बढ़ा दिए गए, मुसलमानों को तकसीम कर दिया गया, जिसकी बुनियाद पर आज सियासत में भी हमारा वजन वकार ख़त्म हो गया, मेयार ख़त्म हो गया। ये सब इख्तलाफ की बुनियाद पर है। तो मेरे भाई कुरान ने कहा था कि लोगों मत झगड़ो वरना तुम बुजदिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, आज सही सूरत हाल यही है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत कीजिए, इत्तेबाए शरीयत इख्तियार कीजिए, सुन्नत की पैरवी कीजिए, अपने आप को इखलास और लिल्लाहियत तवाज़ो इनकसारी की ज़िंदगी इख्तियार कीजिए, आप किब्र अनानियत हसद से अपने आप को पाक कीजिए। मसाइल में आप YouTube से रुजू मत कीजिए, अकायद में YouTube से रुजू मत कीजिए, मोबाइल से मत रुजू कीजिए, अपने उलमा की अजमत, उसके तकद्दस का ख्याल कीजिए। ये अंबिया के वारिस हैं, जानशीन हैं, ये मदारिस जाहिर है उसी के नुमाइंदा हैं, इसलिए आप इन मदरसों को तकवियत पहुँचाइए, मकातिब का निज़ाम कायम कीजिए, स्कूलों का निज़ाम कायम कीजिए, तालीम को फ़रोग़ दीजिए, और इस तहरीक को लेकर इस जगह कोई खड़ा होने वाला
खड़ा हो जाए कि आज से पूरी आबादी में तालीमी कारवां जारी करेंगे और तालीम को लेकर खड़े होंगे कि मेरी आबादी में एक फ़र्द भी जाहिल नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ ये सारे मसाइल का हल हो जाएगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको दीन की सही समझ नसीब फरमाए और अल्लाह अपनी मर्जियात पर हम सबों को चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी दुआ होनी है, ख़ास तौर पर दुआ में हमें फ़लस्तीन को नहीं भूलना है कि अहले फ़लस्तीन जो मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, ज़ाहिर हो मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुसलमानों के लिए जो पूरी दुनिया में बसते हैं उन सब के लिए मस्जिद अक्सा है, क़िबला अव्वल है, जहाँ सैयदुल अंबिया ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई थी। सारे मुसलमानों की इज़्ज़त आबरू अजमत तकद्दस की अलामत है, वो हमारे शार में है। हमें वहाँ सफ़र करने के लिए कहा गया, हमें इस बात को कहा गया कि हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे, एक रकत के बजाय हमें 25 रकत का 25,000 का सवाब मिलेगा। तो इस वजह से हमें अपने क़िबले अव्वल के लिए दुआ करनी चाहिए और क़िबले अव्वल की बहाली के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके आज़ादी के लिए हमें दुआ करनी चाहिए और इसराइल के इस ज़ुल्म बरबरीत के इस नंगे नाच पर उनके लिए बद्दुआ करनी चाहिए कि खुदारा उसे नेस्त तो नाबूद करे और अगर उसकी किस्मत में हिदायत है तो अल्लाह उन्हें हिदायत देकर उन्हें ही मुहाफिज़ीन क़िबले अव्वल में शामिल कर दे। इस तरह हमें दुआ करनी है। और इसी तरह हमें एक दुआ के लिए पर्ची आई है कि अखलाक बाबू महसैली वो भी सख्त बीमार हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती नसीब फरमाए। इसी तरह जो लोग भी बीमार हैं हमारे माशरे में उनके लिए दुआ कीजिए। जो लड़कियां जो लड़के रिश्ते के लिए मुंतज़िर हैं उनको मुनासिब रिश्ता और जोड़ा मिले। हमारे समाज को मदीने मुनव्वरा जैसा समाज और हमारा माशरा मक्के जैसा माशरा हो जाए, इसके लिए दुआ कीजिए। हमारे यहाँ तालीम आम हो जाए, एक एक फ़र्द तालीम याफ्ता हो, इसके लिए जाहिर है कि हम सबों को एक तहरीक लेकर खड़ा होना चाहिए। हम में जो छोटा है वो भी पढ़े, जो बड़ा है वो भी पढ़े। मैंने भी पिछली दरूद शरीफ की मजलिस में ऐलान किया और अपने इदारे जामतुल फारूकिया में बालिगान की तालीम का इंतज़ाम किया, जो लोग वहाँ पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। और मैंने वहाँ से पैगाम भी दिया था तमाम अइम्मे मसाजिद के लिए और तमाम लोगों के लिए। यहाँ हमारे कारी अब्दुर्रहमान साहब जो आपकी मस्जिद के इमाम ख़तीब हैं, तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी मैं मुखातब होऊंगा कि वो भी अपनी मस्जिद में बालिगान की तालीम का इंतज़ाम मशवरे से करें और तमाम अइम्मा और तमाम खुतबा को इसका इंतज़ाम करना चाहिए। हर फर्द छोटा हो या बड़ा वो तालीम से आशना हो जाए, इसका हमें इंतज़ाम करना चाहिए। आइए अब हम दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वाच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।